क्लास ऐसे में आपके SST स्टार्ट करा रही हूँ। SST में आपका फर्स्ट जो पार्ट में स्टार्ट कराऊंगी वो हिस्ट्री का कराऊंगी। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बाद आपका पॉलिटिक्स और उसके बाद ज्योग्राफी का होगा। माइलस्टोन की बुक्स आपकी आ चुकी हैं, स्कूल में अवेलेबल हैं, तो उनको जाके ख़रीद लीजिए क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, आपके टोटल चैप्टर इसमें 10 दिए गए हैं, नेम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांजिशन एशियन एंड मिडाइवल वर्ल्ड, सेकंड है आपका रीजनल किंगडम 7 to 12 सेंचुरी, थर्ड है आपका दिल्ली सल्तनत, फोर्थ है आपका मुगल एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ है आपका चेंजिंग पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर, सिक्स्थ है आपका टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट, सेवन्थ है आपका द ट्राइब्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बाद एट्थ है आपका पार्ट ऑफ डिविनिटी, नाइन्थ है आपका रीजनल कल्चर एंड टेन है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द 18th सेंचुरी इंडिया। तो जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपका स्टार्ट कराऊंगी वो है आपका ट्रांजिशन एशियन टू मिडाइवल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें अगर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे तो ये आपके ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट स्टेजेस को बताता है, छोटे से लेकर बूढ़े होने से डेथ तक की जो आपकी स्टेजेस होती हैं ये सभी उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इसका, जो कि है आपका पेरिडिजेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली बताया क्या गया है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की लाइफ के एक स्टेजेस होती हैं, कि आप पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर आप एक एडल्ट बन जाते हैं, उसके बाद आप 30 की एज में पहुंचकर जॉब वगैरह सब पाने के बाद आप 50 or 65 की एज में रिटायर होकर एंड लास्ट में आप 100 पहुंचने तक आपकी डेथ हो जाती है। तो एक पीरियड है, स्टेजेस हैं जिनसे होकर हमारी ह्यूमन लाइफ जाती है। सिमिलरली ह्यूमन हिस्ट्री इज़ वास्ट एंड एज ओल्ड एज द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ सिंस मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक। इसी तरीके से ह्यूमन की जो हिस्ट्री है, मनुष्य का जो इतिहास है वो भी इतना बड़ा और इतना ही पुराना है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस अर्थ पे आज से करोड़ों अरबों साल पहले हुई थी। इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी और राइट अबाउट ऑल द इवेंट और चेंजेस दैट ट्रांसपायर्ड ओवर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज से करोड़ों साल पहले जो चीज़ें हुई हैं उसको ठीक उसी तरीके से जान लेना तो बहुत मुश्किल है। देयरफॉर इसी वजह से हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस इन अ रीजन और अ कंट्री। इसीलिए हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। कहीं जगह पे आपको हिस्ट्री में सोशल लाइफ दिख जाएगी लोगों की, फिर उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी होती है, फिर पॉलिटिकल कल्चरल चेंज उनकी क्या है, रीजनल चेंज क्या है, इस तरीके से आपको एक एक स्टेज वहाँ पे दिखाई जाती है। नाउ डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड पेरिडिजेशन। तो ये डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री इसको हम क्या कहते हैं, पेरिडिजेशन, पीरियड, ये आपके अगर आप स्पेलिंग को करें तो पीरियड जी पीरियडिजेशन, पीरियडिजेशन, ठीक है। तो पीरियडिजेशन इसको कहते हैं। इट हेल्प अस टू स्टडी एंड कंपेयर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स। इससे होता क्या है कि हमें पढ़ने में समझने में आसानी होती है, साथ ही साथ नो द क्लियर प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट इन एग्जामिन द प्रोसेस एंड ट्रांजिशन ऑफ वेरियस फील्ड। साथ ही साथ हमें ये पता चल जाता है कि उस समय के लोगों ने किस किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, कि पहले उनका एज क्या, एज स्टेज उनका रिलीजन सब कुछ क्या था, फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को पीरियडिजेशन के ज़रिए जान लेते हैं। नाउ इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड इन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉलोड बाय रूलर्स, ठीक है। लगभग 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, इतिहासकार थे ब्रिटिश के, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को डिवाइड किया 3 पार्ट में, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। इन 3 पीरियड में उन्होंने उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉलोड बाय रूलर्स, क्योंकि उन्होंने आधार क्या बनाया डिवाइडेशन का, क्योंकि उस समय भारत में ये 3 आप कह सकते हैं मुख्य धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये तीनों को मिलाकर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इसी तरीके से डिवाइड कर दिया। हाउएवर यू नो दैट द रूलर्स एंड द पीपल ऑफ अदर फेथ्स ऑल्सो बिलीव इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ऑल द हिस्टोरिकल पीरियड एंड दिस पेरिडिजेशन सजेस्ट दैट देयर लाइव्स एंड प्रैक्टिस वर नॉट इम्पॉर्टेंट।
अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश नहीं रहते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म होते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन था उसके अकॉर्डिंग ये था कि ये तीन धर्म प्रमुख हैं और बाकी धर्मों को इसमें एक तरीके से नीचे रखा गया था, उनको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज़रूरी बात, दिस पेरिजनेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो उन्होंने डिवाइडेशन किया था ये सिर्फ धर्म के आधार पर किया था, ये इसमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ था कि उस समय के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज क्या थे। दिस प्योरिजिनेशन इज़ नॉट फॉलोड टुडे, और इसी वजह से आज हम इस ये जो प्योरिजिनेशन उस समय किया गया था उसको आज हम ये फॉलो नहीं करते हैं। नाउ हिस्टोरियन कंसिडर द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर ऑफ टू क्लासीफाई द पास्ट इवेंट। अब जो है इतिहासकार क्या करते हैं कि हमारा आर्थिक और सोशल, सामाजिक फैक्टर्स को देख कर पास्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपका पहला आपका एंशियंट, पुराना जो आपका है, मिडाइवल मिडल में जो आया, एंड उसके बाद मॉडर्न जो आज के समय में चल रहा है। बट दिस पेरिजिनेशन ऑल्सो हैज सर्टेन प्रॉब्लम। लेकिन इसमें भी आप कह सकते हैं हर चीज़ में कोई ना कोई दिक्कत तो होती है, ठीक उसी तरीके से इस डिवाइडेशन में भी कुछ परेशानियाँ थी। द मिडाइवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री स्पैम अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ईयर ड्यूरिंग विच मैनी मैग्निफिशेंट चेंज टुक प्लेस। जो मिडाइवल पीरियड है आप कह सकते हैं वो एक तो बहुत बड़ा पीरियड है क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों को मिलाया जाता है, और साथ ही साथ इतने सालों में इंडिया हिस्ट्री में बहुत से लोग आए हैं, बहुत से प्रभाव पड़े हैं इंडियन हिस्ट्री पर, तो इनको एकदम एक तरीके से वास्ट हो जाता है, बहुत वृद्ध हो जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए। हाउएवर द सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो इन द अर्ली सेंचुरीज वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द लेटर ईयर। लेकिन बाद के सालों में अगर हम देखें तो जो मिडाइवल पीरियड में था वो बाद में जाकर थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए, ठीक है। देयरफॉर स्टडिंग ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग दिस थाउजेंड्स ईयर आर अ सिंगल पीरियड ऑफ हिस्ट्री मे पोज सम डिफ़िकल्टीज। तो उन हज़ारों सालों को पढ़ना, फिर इन सालों को पढ़ना, तो एक तरीके से ये बहुत आप कह सकते हैं एक सिंगल समय में पढ़ लेना कि हम पूरी हिस्ट्री आपके सामने एक बार में रख दें तो वो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगी। लेकिन वहीं हम हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक एक पार्ट पढ़ने के लिए दें तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। Moreover, the modern period associated with growth and progress, while the term medieval is used to describe the society that did not have these characteristics. जो आज का हमारा समय है उसमें ग्रोथ एंड प्रोग्रेस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जब हम मिडाइवल पीरियड की बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ें आज मौजूद हैं वो उस समय मौजूद नहीं थी, उनकी अलग विशेषताएं थी, आज के समय की अलग विशेषताएं हैं। हाउएवर वी नो दैट दिस इज़ नॉट ट्रू। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम पूरी तरीके से नहीं मान सकते हैं। मैनी नोटेबल चेंजेस ट्रांसफॉर्म्ड द सोसाइटी ऑफ मिडाइवल इंडिया। बहुत सारे चेंजेस हुए जिस वजह से मिडाइवल पीरियड एक तरीके से आपका सबसे आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म पीरियड भी माना जाता है, सबसे बेस्ट सोसाइटी भी एक तरीके से मानी जाती है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड फ्लरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन सेवरल रीजन। इसी टाइम पे खेतीबाड़ी में काफ़ी आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ विदेशियों के साथ हमारा जो ट्रेड था, व्यापार था, वो काफ़ी बढ़ा। लुक आउट फॉर द सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट इन इंडिया एज वी गो थ्रू द बुक विच डील्स विद द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इन सभी पीरियड से होकर गुजरेंगे और हमें पता चलेगा किस तरीके से हमने प्रोग्रेस की है। यहाँ पे है आपका लेट्स ट्राई वन, तो मैं उसको आपको अभी नहीं कराऊंगी, मैं जब आपको पूरा चैप्टर फिनिश कराऊंगी तो आपके इस तरीके से इसमें लेट्स ट्राई होते हैं। लेट्स ट्राई वन है, टू है, और लेट्स ट्राई थ्री है एंड फोर है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तो मैं आपके नहीं कराऊंगी, मैं कुछ ही क्वेश्चन आपको कराऊंगी ताकि आपको उनको याद करने में सिंपल रहे, तो इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में कराऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको रीडिंग कराऊंगी और क्वेश्चन आंसर तब मैं कराऊंगी जब आपकी रीडिंग फिनिश हो जाएगी। तो आप अपनी नोटबुक्स पहले से तैयार रखें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, तो बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, अभी के लिए इतना ही।